हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम का कंबाइन लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था बेटा, एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी, जिसके 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले बेटा, थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, सेकेंड और थर्ड पार्ट प्रॉब्लम बेटा आप इनको देखते हैं, फिर आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, तो सबसे पहले जो फिगर दे रखा मैं उसी को बना लेता हूं। एक्चुअल में इसने जो 90 का एंगल है वो एक साइड दे रखा, तो इतना तो आप भी समझते हो बेटा कि अगर एक साइड 90 है तो दूसरी साइड तो अपने आप ही होगा। ओके, अब सेकंड पार्ट में आपको शो करके दिखाना है जो प्रॉब्लम है आपकी, AC स्क्वायर बराबर BC इनटू DC, ये शो करके दिखाना है। पहले मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ, उसके बाद अपन थर्ड पार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो देखो इसको कैसे करना है। AC स्क्वायर ये रहा, तो मैंने आपको बताया था जिस भी चीज का स्क्वेयर होता है ना, आप उस ट्रेंगल में जाया करो। तो आपको AC स्क्वेयर चाहिए, तो आप इसमें भी AC आता है, इसमें भी AC आता है, तो दोनों ट्रेंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दो, तब जाके बात बनेगी। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करोगे तब जाके बात बनेगी, क्योंकि जो भुजाओं का अनुपात है, जो साइडों का रेशियो है, वो सिमिलर ट्रेंगल में इक्वल होता है। आप अगर सीधा इक्वल रख देंगे तो बात नहीं बन पाएगी। ओके बेटा, तो हमें इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके कोई बात अपन कर पाएंगे। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो, इतना भी मैंने बताया, जैसे ये इधर 90 है तो इधर 90 है, तो इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ACD में हो, ठीक बेटा। आप इस एंगल को लेट कर लो, जो एंगल CAB है वो आपका एक्स है, जो एंगल सी ए बी मतलब ये इतना इतना एंगल है वो आपका एक्स है। ओके बेटा, अब आप बताओ, अगर इस पूरी ट्रेंगल में आए आप ABC में, अगर ये एक्स है और ये 90 है, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 होता है, जिसमें से 180 में से 90 तो साइड में ही हो गया, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 90। दोनों का सम 90 है, तो ये जो एंगल है इसका मतलब हो गया 90 माइनस एक्स। अब देखो दोनों का सम करके देखो, 90 हो रहा ना बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही है आपको बात, नहीं समझ आ रही दोबारा बता रहा हूँ कि इस ट्रेंगल में आप आए ABC में, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, जिसमें से ये तो 90 है तो लग हो गया, तो इन दोनों का सम 90 हो गया। तो मैंने इसको एक्स लेट कर लिया और इसको क्या लेट कर लिया, 90 माइनस एक्स। तो देन जो एंगल आपका CBA है वो आपका होगा 90 माइनस एक्स। ओके बेटा, अब आप बताओ इन दोनों एंगल का सम भी क्या था, 90 था, जिसमें से ये आपने एक्स लेट कर लिया, तो ये क्या होगा, 90 माइनस एक्स। ओके बेटा, अब ये 90 माइनस एक्स हो गया, देन आल्सो जो एंगल आपका CAD है वो तो भी 90 माइनस एक्स हो गया। अब इस ट्रेंगल में आओ, इन ट्रेंगल ACD में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, जिसमें से ये 90 है तो 90 रह गया। अब इसका मतलब इन दोनों का सम 90 है और ये 90 माइनस एक्स है, तो ये एंगल क्या होगा, एक्स होगा। तो देन जो एंगल है CDA वो आपका एक्स हो गया। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर हो गए। देखो ये एंगल एक्स है तो इसका ये एंगल एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है तो ये भी 90। देन अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी AAA, कौन सी सिमिलरिटी बेटा, AAA ट्रायंगल आपकी कौन सी, कहां से स्टार्ट करोगे, इधर से कर दो, जो ABC है वो सिमिलर होगा ACD के। ओके बेटा, इसको आगे पीछे करना पड़ सकता है, जरूरत पड़ेगी आंसर के हिसाब से। अब आंसर में चाहिए AC स्क्वायर, तो मैं इधर से अगर मैं AC लूं तो इधर से AD आएगा, आपको पता है, पर इधर आंसर में AD आ ही नहीं रहा, तो इसको मतलब आगे पीछे में करना पड़ सकता है। तो
तो मैं इस ए बी सी को ए सी बी भी लिख सकता हूँ। अब देखो अब भी नहीं गलत है, क्योंकि इधर से ए सी लूंगा तो इधर से ए सी आ जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। और चेंज कर सकते हो आप, तो इसको सी ए बी भी नाम दे सकते हो, पर बात तो अब भी वही रहेगी, क्योंकि अब भी ए सी आएगा तो इधर से ए सी कट हो जाएगा। ऐसे कुछ सेट करते हैं आप, इसको पहले ये ए बी सी पढ़ा रहे थे, तो या ए सी बी लिखें, इसको 90 वाला इधर है, और इसको ए सी डी लिखे तो भी बात नहीं बनेगी, ए सी से ऐसी कट भी ना हो जाए बेटा। अब अगर इधर से मैं ए सी लू तो इधर से बी सी बनना चाहिए, तो इधर तो बी सी बनेगा नहीं, डी सी बना दो। तो इधर डी सी बनाना है तो आप ऐसे करो, डी इधर ले आओ और ए इधर ले आओ। उम्मीद करूंगा अब आपको समझ आई होगी मेरी बात। तो इधर से देखो ए सी लिया तो इधर से डी सी आया, तो ए सी आ रहा है डी सी आ रहा, बी सी चाहिए तो इधर से बी सी लिया तो इधर से ए सी आएगा। क्या लिखोगे? सी पी एस टी। ठीक बेटा, क्रॉस मल्टी करो तो ए सी की ए सी से ए सी स्क्वायर हो गया, डी सी इंटू बी सी। ये लो बेटा पार्ट नंबर टू है, उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा। हाँ, हो सकता है बीच में यहां आपको दिक्कत आई होगी, इसको मैं दोबारा करता हूं कि मैंने ये क्या बार बार चेंज किया था। बेटा देखो, ट्रेंगल ए बी सी को अपा ए सी बी लिख दे तो भी वो वही ट्रेंगल रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपा जो आंसर शो करना चाहते हैं हमें उसके अनुसार चेंज करे करना पड़े तो कोई गलत नहीं है। तो वो इधर से देखते जाओ आपको आंसर में क्या चाहिए और आप क्या बना रहे हो। अगर आपका आंसर नहीं बन रहा है तो इसको चेंज करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। ओके बेटा, तो ये आपका जो पार्ट नंबर सेकंड है वो हो गया है। इसके बाद फिगर यही रह जाता है बेटा, अब इन एंगल की कोई जरूरत नहीं है जो मैंने बनाई है। आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया बेटा। एडी स्क्वायर बराबर होगा बीडी इंटू सीडी। एडी एडी दो बार आ रहा बेटा, क्योंकि एडी स्क्वायर है तो एडी दो बार आए, ऐसी ट्रेंगल में चले जाओ आप। तो एक तो इस ट्रेंगल में आ जाता हूं, इन ट्रेंगल एडीसी या एसीडी, और एक बड़ी ट्रेंगल में आ जाता हूं, एंड ट्रेंगल डीबीए। डीबीए ऊपर से आ गया और एक इस ट्रेंगल में आ गया एसीडी। ओके बेटा, अब दोनों को सिमिलर प्रूव करो। तो एक तो देखो एडी दोनों में कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कॉमन साइड की जगह उभयनिष्ठ भुजा। ओके बेटा, एक दोनों में जो डी एंगल है वो एक जैसा है, तो इसमें तो हो गया ए डी सी और इसमें हो गया बी ए बी डी ए कॉमन एंगल। ओके बेटा, फिर इसके बाद एक बात और बताइए, इसमें सी पे 90 का बन रहा है, इसमें ए का 90 का बन रहा है, इसमें जो एंगल ए सी डी है और इसमें जो डी ए बी है वो राइट एंगल है, तो कौन सी सिमिलरिटी लग गई बेटा? अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एक साइड है, दो एंगल है ए एस ए। ठीक बेटा, ट्रेंगल कौन सी? ए सी डी सिमिलर होगी डी बी ए। इसको चेंज भी करना पड़ सकता है, आपको मैंने बता दिया है। अब आंसर में चाहिए आपको ए डी, तो आप इधर से अगर ए डी लेते हो तो इधर से आएगा ए डी, वो तो कट हो जाएगा, बात ही नहीं बनेगी, तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा। तो या तो बने आपका सी डी, सी डी तो बनेगा नहीं, बी डी, तो इसको ऐसा सेट करो कि बी डी बन जाए। अगर इधर से आप ए डी लेते हो तो आप ए आगे ले आओ और डी पीछे ले आओ। ठीक है, अब भी बात नहीं बनेगी, इधर से एडी तो इधर से एडी आया, बड़ी ट्रेंगल है, इसको डी ए बी अगर अपन नाम दें, पहले शायद ऐसा कुछ ही था, डी ए बी। अब क्या बनेगा? इधर से अगर एडी लिया तो इधर से डी बी, देखो आंसर आ रहा है, इसको डी ए बी भी तो नाम दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, इधर से एडी लिया तो इधर से आया डी बी। ठीक, आंसर आ रहा है, इधर बी डी चाहिए। अब एक सी डी बनाना है, तो इधर से सी डी बनाया तो इधर से तो ए बी आएगा, पर हमें तो ए डी का स्क्वेयर चाहिए, यहाँ भी गड़बड़ हो रही है, तो
इसको और सेट करना पड़ेगा बेटा हमें। तो इसको क्या सेट करें आपा, अगर बी आगे आपा ले आए और डी पीछे ले आए, तो अब देखना इधर से ए डी लिया तो इधर से बी डी, ठीक है जी सही है, बी ए डी भी तो लिख सकते हैं इसको बी ए डी, और इधर से आंसर में सी डी चाहिए, इधर से अगर मैं सी डी उठाता हूँ तो इधर से ए डी आ रहा, देखो बन गई ना बात, सी पी एस टी, तो क्रॉस मल्टी बेटा, तो ए डी के ए डी से ए डी स्क्वेयर हो गया और बी डी के सी डी से मल्टी हो गया। ओके बेटा, तो ये लो बेटा दो प्रॉब्लम थी, उम्मीद करूंगा दोनों आपकी सॉल्व हो गई है और दोनों आपको समझ भी आई है। इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ ताकि थोड़ी सी राइटिंग साफ हो जाए, साफ आपको दिखाई दे, और इसके बाद बेटा आप आगे बढ़ते हैं। इतने आप स्टेटमेंट पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो आज अपने को स्टार्ट करना है। इस एक्सरसाइज में बेटा सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आप इन सारे क्वेश्चनों को करोगे, और उम्मीद कर रहा हूं कि जो ये दो प्रॉब्लम थी वो आपको समझ आ गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला गया है। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द साइड ऑफ ए रंबस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ इट्स डायगोनल। देखो आपको पहले इंग्लिश में समझाता हूं क्या बोला गया है। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ साइड ऑफ ए रंबस, तो एक तो इतना समझ आया कि एक रंबस बन रहा है, और रंबस को बेटा हिंदी मीडियम में सम चतुर्भुज बोला जाता है बेटा, तो एक तो ये बात समझ आई है कि एक रंबस बन रहा है, ठीक है जी। इसके बाद बोला कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ साइड ऑफ रंबस, जो इस रंबस की साइडों का स्क्वेयर है, जैसे इसकी साइड हो गई ए बी स्क्वेयर हो गया, इसकी बी सी स्क्वेयर हो गया, इसका सी डी स्क्वेयर हो गया, इसका ए डी स्क्वेयर, मतलब इसकी साइडों का जो स्क्वेयर का सम है, ठीक है जी, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ इट्स डायगोनल, वो इक्वल होगा इसके डायगोनल के स्क्वेयर के सम के, तो इसका डायगोनल ये ए सी स्क्वेयर हो गया एक तो, और एक दूसरा कौन सा हो गया बेटा बी डी स्क्वेयर, तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी में बेटा, ऐसा बोला गया कि एक सम चतुर्भुज है जो कि आपके सामने है ए बी सी डी, उसके भुजाओं का वर्गों का योग, इसकी सारी भुजा ए बी डी सी सी डी डी सी, इनके जो वर्गों का योग है वो इसके विकर्णों के योग के बराबर होगा, इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी हो गए, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो ये ओ पे काट रहा है, ओके, तो ये हमें शो करके दिखाना है। एक बात शायद आपको पता होगी कि जो रंबस है, जो सम चतुर्भुज है, उसके जो डायगोनल है, उसके जो विकर्ण है ना, वो परस्पर 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब हर जगह चारों जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो क्या होगा, फिर 90 का एंगल बन रहा है, तो आप ऐसा करो, एक तो 90 का बन रहा है, और एक और बात होती है, एक इसके जो डायगोनल है वो ये जो आपस में जैसे जहां इंटरसेक्ट होते हैं बिल्कुल बीच में होते हैं, मतलब ये जो आपको ओ पॉइंट दिखाई दे रहा है वो ए ओ और सी ओ इक्वल है और बी ओ डी ओ इक्वल, मतलब दो खास बातें हैं, एक तो इसके डायगोनल आपस में बाईसेक्ट करते हैं, एक इसके जो विकर्ण है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, और एक ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट ए बी सी डी इज ए रंबस, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा बेटा, ए बी सी डी इज ए रंबस, देन जो इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल बाईसेक्ट then its diagonal bisect to each other, एक तो इसके जो diagonal है वो एक दूसरे को bisect करते हैं, then जो OA है equal to OC हो गया, and जो OB है equal to OD हो गया, and also make 90 degree angle, make right angle to each other, और साथ में 90 डिग्री का कोण भी एक दूसरे के साथ बनाते हैं। अब मैं हिंदी में बताता हूँ बेटा, हिंदी में क्या लिखोगे,
हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, और इसके साथ आल्सो और भी मतलब जो डायगोनल है, इन्हीं की बात चल रही है, वो एक दूसरे के समकोण बनाते हैं, और जो इसके विकर्ण है परस्पर समकोण बनाते हैं। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा भी होगी और ध्यान से भी देखना है। अब आप ट्रेंगल इसमें आ जाओ, इन ट्रेंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस, इस ट्रेंगल में पाइथागोरस यूज करो, तो 90 का बन रहा है तो पाइथागोरस तो यूज हो ही सकता है, और जो 90 का एंगल उसकी जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके बेटा, अभी जैसे मैंने बताया कि जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, ये और ये बराबर है, तो मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं जो ए ओ है वो ए सी का आधा है। बिल्कुल बेटा, जो ओ ए है, जो ओ बी है वो बी डी का आधा हो गया। देखो ये और ये अगर बराबर है तो ये जो इतना है वो सारे का आधा होगा, तो बी ओ की जगह मैं लिख सकता हूं बी डी का हाफ। ओके बेटा, इसी तरह ओ ए को क्या लिख सकता हूं, ए सी का हाफ। ओके बेटा, तो ए बी स्क्वेयर बराबर बी डी का स्क्वेयर हो गया, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, इसी तरह ए सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो एलसीएम लोग बेटा 4 आएगा, 4 वो इधर चला जाएगा, लो लेके दिखा देता हूँ, तो ए बी स्क्वायर बराबर एलसीएम आपका 4 आ गया, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो 4 इधर चला गया, तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये अगर आपको अभी नहीं समझ आए तो एक बार और बता देता हूँ। देखो ये और ये बराबर है, ये जितना है उतना ही है, तो इसका मतलब ये आधा हो गया, ये पूरे एसी का आधा हो गया, अगर ये और ये बराबर है तो इसका मतलब ओए एसी का आधा हो गया, और एसी को आधे को एसी बटा 2 लिखा जा सकता है, इसी तरह बीडी बटा 2 लिख दिया। ओके बेटा, अब आप इस ट्रेंगल में आ जाओ, इन ट्रेंगल बीओसी यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज करते हैं तो सेम कहानी होगी बेटा, तो इसमें हाइपोटेन्यूस जहां 90 है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, बी सी स्क्वेयर ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर बेटा, तो सेम वही कहानी, जो ओ बी है वो बी डी का आधा है बेटा, और इसी तरह ओ सी है वो ए सी का आधा है, तो ये क्या बन गया, बी सी स्क्वेयर बराबर बी डी का स्क्वेयर बटा 2 का स्क्वेयर 4, और ये ए सी का स्क्वेयर बटा 2 का स्क्वेयर 4, वही बात, 4 एलसीएम आएगा और इधर चला जाएगा, चेक कर लेता हूँ बेटा, साफ ही दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो 4 एलसीएम आएगा, बी सी का स्क्वेयर 4 एलसीएम आ गया, बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, तो ये 4 इधर आया, 4 बी सी स्क्वेयर बराबर बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ओके बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 की, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, इससे कोई बात बनने वाली है, ये समझ आएगी तभी जाके कोई बात बनेगी। देखो इस ट्रेंगल में आए तो 4 ए बी स्क्वेयर लिख दिया और बी डी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर लिखा, इस ट्रेंगल में आए तो 4 बी सी स्क्वेयर लिख दिया और बी डी, मतलब ये चीज और ये चीज सेम ही रह रही है, तो इसी तरह आगे वाला प्रोसेस आप सिमिलरली लिख के कर सकते हो, सिमिलरली क्योंकि स्टेटमेंट अभी क्वेश्चन लंबा काफी हो गया, इसीलिए सीधा कह रहा हूँ, सिमिलर ट्रेंगल सी ओ डी में आए तो इसमें क्या बन जाएगा, 4 सी डी स्क्वेयर बराबर ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी, एंड आल्सो ट्रेंगल ए ओ डी रहेगी बेटा, ए ओ डी में आओ तो क्या बनेगा, 4 ए डी स्क्वेयर बराबर ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब ऐसा करो बेटा, चारों इक्वेशनों को जोड़ दो एक साथ, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं शॉर्टकट में करूंगा क्योंकि जगह थोड़ी है मेरे पास, तो इसमें आ रहा है 4 ए बी स्क्वेयर, ठीक है जी लिख लिया, इसमें आ रहा है 4 बी सी स्क्वेयर लिख लिया जी,
इसमें आ रहा है 4 CD² लिख लिया जी, इसमें आ रहा है 4 AD² लिख लिया जी। अब जो राइट वाली चीज है वो देखो, राइट में यहाँ क्या था, पहली क्वेश्चन में BD², दूसरी में एक ये रहा BD², तीसरी में एक ये रहा 3, चौथी में ये रहा 4, तो कितने BD² हो गए, 4 BD², इसी तरह 4 AC² हो जाएंगे। ठीक बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके बेटा, अब सारों में देखो चार 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 कॉमन आ रहा, और नीचे भी चार चार कॉमन आ रहा, आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये चार चार सारे कट हो जाएंगे बेटा, क्या बचेंगे, अब आगे यहां लिख रहा हूं बेटा, क्या लिखेंगे, AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर AC² प्लस BD² तो क्या, ध्यान से देखो, आपको यही शो करके दिखाना था। तो ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ना समझ आई है। फिर भी अगर आपको लगता है बेटा ये क्वेश्चन में कोई बात ऐसी रह गई है जिसके कारण आपको समझ ना आया हो तो बता देना, आपको ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेटा बता देना। ओके, तो कोशिश मेरी यही रही है कि आपको बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन लगे, आसान लगे, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा थी इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ कम आया हो, फिर भी बेटा बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, वैसे इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, फिगर इसका दे रखा तो मैं इसको पहले बना लेता हूं, फिर आपको कुछ इसमें जो बताने वाली बात है वो बताऊंगा। ए बी सी दे रखा आपको, बीच में कहीं ओ है, थोड़ा ऊपर है। ओके बेटा, ये सब 90 का एंगल है, ई है, एफ है और डी है, यहाँ ओ है। ओके, अब कहता है इस फिगर में, सीधी स्टेटमेंट में कहता है इस फिगर में ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। अगर हिंदी में बात करूं तो ऐसा बोला कि बेटा कि वो एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज ए बी सी के बीच में है, अंदर है। ओके, और ओ डी है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ डी है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ओ डी बी सी के ऊपर लंब है बेटा, और ओ ई, ये तो समझ गए होंगे आप, पहला क्वेश्चन है ये प्रूव करके दिखाओ, तो मैं नोट कर लेता हूँ, जो ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर ओ ई स्क्वेयर ओ एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, ये शो करके दिखाना बेटा। इसमें दो पार्ट है, जैसे पहले पार्ट होगा वैसे वैसे दूसरा हो जाएगा, जैसे मैं पहला कर लूँ ना वैसे दूसरा हो जाएगा। तो देखो आप कैसे इसको करोगे, पहले ए को डैश लाइन है ना ओ से मिला दो, बी को भी मिला दो और लगे हाथ सी को भी मिला दो। ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, ट्रेंगल इसमें आ जाओ, इन ट्रेंगल AOF यूजिंग पाइथागोरस, ओके बेटा, यूजिंग पाइथागोरस। तो देखो ये 90 का, तो ये भी 90 का होगा, और 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है, तो क्या आएगा OA स्क्वायर, बेस तो किसी को ही मान लो बेटा, OF को मान लो चाहे, और हाइट AF को मान लो। ठीक बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब ऐसा करो, इसको एक छोड़ के एक अगले ट्रायंगल में आ जाओ, तो इन ट्रायंगल BOD यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है बेटा, तो वही बात, इधर 90 है तो इधर भी 90 हो, और 90 के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो OB का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही बात, एक छोड़ के इसमें आ जाओ, तो इन ट्रायंगल COE यूजिंग पाइथागोरस, ओके बेटा, तो इसमें पाइथागोरस यूज करते हैं अपन, पाइथागोरस यूज किया तो वही बात, ये 90 का बन रहा तो इधर 90, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होगा तो OC स्क्वायर हो गया, और OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान से देखो, OA OB OC को जोड़ ही रखा, तो आप भी ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन
वन टू एंड थ्री, तो लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में जुड़ेगी बेटा, लेफ्ट में है ओ ए, ओ बी और ओ सी, राइट वाली चीज राइट में जुड़ेगी, राइट में इधर क्या है ओ एफ प्लस ए एफ स्क्वायर, इधर राइट में है बी डी प्लस डी ओ स्क्वायर, और इधर राइट में क्या था ओ ई प्लस सी ई स्क्वायर। ओके बेटा, अब आंसर में नजर मारो, सब इधर है ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ, आप भी इधर ले आओ, तो ओ ई स्क्वायर तो पड़ा ही है, ओ बी स्क्वायर पड़ा है, ओ सी स्क्वायर पड़ा है, प्लस का डी ओ है उसको ओ डी लिख सकता हूँ, प्लस का ओ डी इधर आके माइनस का ओ डी, प्लस का जो ओ ई है इधर आके माइनस का ओ ई, प्लस का ओ एफ इधर आके माइनस का ओ एफ, तो क्या बचा ए एफ स्क्वायर बचा, बी डी स्क्वायर बचा और सी ई स्क्वायर बचा। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल बेटा, हमें यही प्रूव करना था। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है उसका वो भी बेटा बिल्कुल इजी है। जिस जैसे अपन ने तीन ट्रायंगल ली है, ये ली फिर एक छोड़ के ये ट्रायंगल, फिर एक छोड़ के ये ट्रायंगल, वैसे ही एज इट इज उसमें जो जो अपन ने छोड़ी है ट्रायंगल, क्योंकि सारी 6 बन रही है, तीन अपन इसमें ले ली तो तीन छोड़ दी है, तो जो अपन ने ट्रायंगल छोड़ी है इन तीनों ट्रायंगलों में जो यहां काम किया वैसे के वैसे आप काम करना उसमें। जैसे इसमें किया, पहले इस ट्रायंगल में आना पाइथागोरस लगाना, इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, फिर इसमें आना पाइथागोरस लगाना ये बन जाएगी, फिर इसमें आना ऐसी बन जाएगी, फिर ऐसे जोड़ देना, फिर ऐसे आंसर पे पहुंच जाओगे आप। पर फिर क्या करना है उतना कर लेना, ये इक्वेशन तीन तक तो बनेगी, चार ये बन गई, अब आगे पांच छह सात आठ आप बना लेना, फिर जो आप जोड़ने के बाद जो निकालो इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लेना, तुलना कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। ओके बेटा, दोबारा बता देता हूं, जैसे ये तीन ट्रायंगलों में आपने आके आंसर निकाला है ऐसे, वैसे ही आप निकाल लेना, निकाल लोगे फिर वो आंसर आपका और इस आंसर की आपस में तुलना कर लेना, आपका सवाल हो जाएगा, कंपेयर कर लेना। ओके बेटा, तो ये है सवाल नंबर 8, उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया है। आगे एक क्वेश्चन नंबर 9 है, वो इजी लगेगा आपको इस कंपेयर क्वेश्चन के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लैडर बेटा सीढ़ी होती है जो कि 10 मीटर लंबी है, वो रीच कर रही है विंडो जो कि 8 मीटर ऊंची है ग्राउंड से। जैसे ये मान लेते हैं ग्राउंड हो गया यहाँ पे, यहाँ एक जमीन पे कोई दीवार बनी हुई मान लो बेटा, और यहाँ विंडो है कोई 8 मीटर ऊंची, और एक लैडर तो आपको पता है ऐसे लगी होती है इस तरह, वो पहुंच रही है यहाँ पे, और लैडर है वो 10 मीटर की है। ओके बेटा, हिंदी में भी उम्मीद करूंगा समझ आ गया है। इसने ये कहा बेटा, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ बाल, मतलब जो लैडर का फुट है और जहां से बाल का जो वाल है उसका बेस है वो निकाल के लाना है। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिला है, और उम्मीद करूंगा आपको ये चीज समझ आ गई है। कुछ नहीं करना, पाइथागोरस लगाना और इसको पूरा कर लेना। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बड़ा इजी है। हिंदी में अगर ना समझ आए बता देता हूँ बेटा, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है बेटा जो 8 मीटर ऊंचे जो एक खिड़की है उसके ऊपर पहुंचती है। बाद में ये बोला गया कि इससे जो सीढ़ी है उसके नीचे वाले सिरे से जो दीवार है उसके नीचे वाले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है, तो मतलब ये बेस लगाना है। तो इस त्रिभुज में बेटा पाइथागोरस लगा लेना, क्योंकि दीवार जो होती है हमेशा 90 डिग्री के ऊपर खड़ी होती है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा और आधार निकल जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये हो गया है, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वर्क समझ भी आ गया है। ओके बेटा, तो ये था आपका आज का जो रिटर्न करने का वर्क है। ओके बेटा, और इसको कर लेना। अब बात रही रिवीजन की, तो 10वां चैप्टर आपने रिवाइज कर ही लिया था, तो अब आप रिवीजन के लिए इस 6 चैप्टर को ही दोबारा स्टार्ट कर देते हैं बात, ताकि बेटा ये थोड़ा सा अगर किसी बच्चे को मुश्किल लगा है तो साथ साथ अगर वो रिवाइज करता रहेगा तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, तो आज का जो रिवीजन करने का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 से ही स्टार्ट करते हैं आपा, और 6.1 जो है वो छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा और कुछ ही समय उसके, तो आज इसका 6.1 जो है उसका क्वेश्चन 6.1 पूरी कर लेना, क्योंकि
छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आज का जो रिविजन वर्क है वो 6.1 के जो ये 3 क्वेश्चन है वो ये है। 6 चैप्टर को साथ में रिवाइज करने का ये फायदा होगा बेटा कि ये हो सकता है कि इसमें ये इस तरह के सवाल होने का कुछ बच्चों को कम समझ आए, तो साथ साथ अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीजें भी क्लियर होती जाएगी। ओके बेटा, तो 6.1 रिवाइज कर लेना, बोथ मीडियम को ये कॉमन वर्क दिया जा रहा है बेटा, और जो रिटर्न करने के लिए वर्क है वो आपको मैंने बता दिया है। ओके बेटा, थैंक यू। और वर्क बेटा जो आपको राइट करने के लिए मिलता है उसको फेयर कॉपी में करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।